के पश्चिमी जिले कराना में आज 73 बूथों पर फिर से वोटिंग हो रही है लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर। तो वहीं आगामी 31 मई को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इसी बीच बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर चर्चाओं में आ गया है। बता दें आपको, उन्नाव कांड के बाद बदायूं कांड ने मोदी और योगी सरकार की महिलाओं की सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। बदायूं से भाजपा विधायक कुशाग्र सागर पर एक महिला ने गंदे काम करने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि विधायक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ घिनौना काम किया है। पीड़िता ने इस मामले में कुशाग्र सागर के पिता योगेंद्र सागर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो बालिग हो जाएगी वो दोनों की शादी करवा देंगे। जानकारी दे दें आपको कि पीड़िता ने ये खुलासा अब किया है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विधायक की शादी होने वाली है। कहा जा रहा है पीड़िता विधायक के बरेली वाले घर पर माँ के साथ जाकर काम किया करती थी और इसी दौरान कई बार विधायक ने नाबालिग पीड़िता के साथ गंदे काम को अंजाम दिया। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जान भी दे देगी। तो वहीं बीजेपी एमएलए ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। खैर, इस कांड के सामने आने के बाद एक बार फिर से योगी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। देखना होगा कि सीएम योगी क्या फैसला लेते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।